हेलो एवरीवन, ये है ई टैब 2015 की वीडियो सीरीज। फर्स्ट डे की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं। जैसे उसमें मैंने बताया था आपको कि मैं सिविल इंजीनियर के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं सबकी सीरीज अपलोड करने वाला हूँ डे बाय डे। और ये आज की ये जो वीडियो है डे टू वीडियो ई टैब की। फर्स्ट वीडियो में हमने ई टैब की ग्रिड प्लान ग्रिड के बारे में हमने जाना था, उसके कुछ टूल्स थे। आज हम डे टू में स्टोरेज की बात करेंगे, ग्रिड के स्टोरेज की बात करेंगे हम डे टू में। तो एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो कि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहें तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि आज मेरी वीडियो आपको ज़रूरत ना हो, काम की ना हो, पर फ्यूचर में आपको काम पड़े किसी भी सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर की, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियो ईजिली मिल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ई टैब 2015 वीडियो सीरीज डे टू। तो ये ई टैब मेरा ओपन है, सबसे पहले हम न्यू करते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, एसआई यूनिट। ओके, तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं फर्स्ट ग्रिड डायमेंशन, ये हमने डे वन ट्यूटोरियल में इसके बारे में हमने जाना था। अब हम सेकंड बॉक्स जो है इसमें देखिए स्टोरेज डायमेंशंस, इसकी बात करते हैं। ये जो बॉक्स है आपका, तो इसमें हमने जो फर्स्ट बॉक्स था इसमें हमने बनाया था प्लान एक्स वाई डायरेक्शन में, और ई टैब सॉफ्टवेयर में जो हाइट होती है बिल्डिंग की वो हो जाती है जेड डायरेक्शन में। तो हम अब स्टोरेज डायमेंशन की बात करेंगे जो जेड डायरेक्शन में हाइट जा रही है। तो सबसे पहले पूछा नंबर ऑफ स्टोरेज, कितने स्टोरेज की आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, जैसे कि इसमें मैंने डाल दिया 10। उसके बाद इसमें पूछ रहा है टिपिकल स्टोरेज हाइट, यानी कि बॉटम स्टोरेज को छोड़ के जो ऊपर की जितने भी स्टोरेज हैं उनकी हाइट्स क्या है। मैंने जैसे कि यहाँ पे डाल दिया 3.5, और बॉटम स्टोरेज की मैं चाहता हूँ 2.5 हो। ये मैंने हाइट स्टोरेज की हाइट डाल दी और मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए दो विंडो हैं, एक विंडो ये है जिसमें प्लान है और एक विंडो ये है जिसमें हमारी बिल्डिंग का 3D व्यू है। और ये हमारी वीडियो, ये जो हमारा 3D व्यू है देख रहे हैं आप, इसमें नंबर ऑफ स्टोरी कितने हैं जितना हमने वहाँ पे डाला था। एक बार हम एलिवेशन में जाकर चेक कर लेते हैं, ये एलिवेशन का ऑप्शन है। इन सब टूल्स के बारे में हम एक एक टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो हम अभी एलिवेशन पर जाते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा एलिवेशन, हमने शायद 10 स्टोरी डाला था, तो यहाँ पर 10 स्टोरी आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारा ग्राउंड स्टोरेज की हाइट कम है और जो ऊपर वाले टिपिकल स्टोरेज, इन सब की हाइट हमारी सेम है। तो जैसे कि दोबारा से न्यू करते हैं और इसमें जाते हैं, जैसे कि हमारा ग्रिड में भी दो ऑप्शन थे, एक तो यूनिफॉर्म स्पेसिंग एक कस्टम, उस तरह हमारे स्टोरेज में है यूनिफॉर्म स्टोरेज, यानी कि सभी स्टोरेज हर एक फ्लोर की हाइट में वेरिएशन है या किसी भी फ्लोर के हाइट में वेरिएशन है। तो यहाँ पे देखिए 4 स्टोरी दिखा रहा है जो हमारा पहले से डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे स्टोरी हाइट दिखा रहा है आपका ईच स्टोरी 3 मीटर। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ 3.5 मीटर। और यहाँ पे आपका एलिवेशन दिखा रहा है, फर्स्ट फ्लोर आपका 3 मीटर, देन 3+3 6+3 9 9+3.5 12.5। उसके बाद आपका एक कॉलम है मास्टर स्टोरी का, आप किसी भी फ्लोर को यहाँ से राइट क्लिक कर यस और यस से मास्टर स्टोरी बना सकते हैं। उसके बाद आपका कॉलम सिमिलर स्टोरी, सिमिलर स्टोरी मीन्स कि आप चाहते हो कि ये वाली स्टोरी भी हमारी सिमिलर रहे, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी 3 के सिमिलर रहे, ये स्टोरी 2 सिमिलर टू स्टोरी 3, तो किसी को भी आप किसी के भी सिमिलर बना सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम है आपका स्प्लाइस स्टोरी। देखिए ये दो कॉलम जो हैं इनके बारे में आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको इनके बारे में बताता हूँ। स्प्लाइस जॉइंट आप जानते हैं, स्प्लाइस जॉइंट एक जॉइंट जहाँ पे दो एलिमेंट ओवरलैप होते हैं या कोई एलिमेंट है जिसकी लेंथ कम पड़ जाती है तो हम दूसरा एलिमेंट उसमें ऐड करते हैं, तो उस जॉइंट को स्प्लाइस जॉइंट बोलते हैं। तो हम बिल्डिंग में स्प्लाइस जॉइंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपको स्प्लाइस जॉइंट समझाता हूँ एक इमेज से। देखिए इस बिल्डिंग में यहाँ कॉलम में एक स्प्लाइस जॉइंट है, ये देखिए लोअर कॉलम अपर कॉलम,
मान लीजिए ये स्टील कॉलम के लिए होता है ये ऑप्शंस। मान लीजिए आपका स्टील कॉलम की लेंथ है आपकी 3 मीटर का, ईच फ्लोर है 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, और आपके जो कॉलम स्टील जो एलिमेंट आपको मार्केट में मिले हैं वो मिले हैं आपको 8 मीटर। तो आपका 3 मीटर 3 मीटर यहाँ पे 8 मीटर पर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट फ्लोर के लिए हमें एक कॉलम एलिमेंट इसमें यहाँ पे ऐड करना होगा, तो ये हो गया आपका स्प्लाइस जॉइंट। तो आप ई टैब में यहाँ पे कौन से स्टोरे पे आपका स्प्लाइस जॉइंट है यस करके, और वहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया थर्ड स्टोरे पे 2 मीटर पे स्प्लाइस जॉइंट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे शो करता है। अगर आपको और स्टोरेज इसमें ऐड करने हैं तो राइट क्लिक करके ऐड कीप एग्जिस्टिंग स्टोरेज एलिवेशन और ओके कर देंगे, तो देखिए ऐड हो गया। इसी तरह आप राइट क्लिक करके ऐड स्टोरेज कीप एग्जिस्टिंग स्टोरेज हाइट, ये आपका स्टोरेज हाइट हो गया। अगर आपको कोई स्टोरेज डिलीट करना है तो राइट क्लिक किया डिलीट डिलीट स्टोरेज हाइट। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। हमने जब राइट क्लिक किया देखिए सबसे पहले आ रहा कॉपी, कॉपी हमने किया और फिर यहाँ जाके हमने पेस्ट कर दिया और यस कर दिया। सॉरी, ये हमने कॉपी किया और फिर हमने ये पेस्ट कर दिया। जैसे हमने ये कॉपी किया स्टोरी वन, एक सेकेंड, एक और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। कॉपी ओके सॉरी, देखिए आप यहाँ पे किसी स्टोरी को कॉपी कर सकते हैं फिर उसे पेस्ट भी कर सकते हैं, इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं ऐड स्टोरी कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट, यानी कि अभी जो एग्जिस्ट है आपकी स्टोरी हाइट उसी हाइट की आपको नई स्टोरी ऐड हो जाएगी। कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी एलिवेशन, जो आपका एलिवेशन अभी एग्जिस्ट है उसी एलिवेशन का एक और ऐड हो जाएगा। उसी तरह हम डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एज स्टोरी और कीप एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एज स्टोरी, और हम सेट स्टोरी नेम भी हम चेंज कर सकते हैं क्लिक करके किसी भी आइकन पर। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे स्प्लाइस की, मेन चीज ये है और सब तो बेसिक है। देखिए हमने हम क्या किया, थर्ड स्टोरी पर स्प्लाइस दिया, यस किया और वहाँ पे 2 मीटर डाल दिया, और ईच फ्लोर की हाइट देखिए हमें 2 फ्लोर की, सॉरी यहाँ पे इसको 3 कर लेते हैं तभी थोड़ा इसे अच्छे से हम जान पाएंगे। ईच फ्लोर की हाइट 3 मीटर और 2 मीटर पे मैंने स्प्लाइस दिया है, तो ओके करते हैं। तो देखिए स्प्लाइस में हमने थर्ड स्टोरी पे स्प्लाइस दिया है 2 मीटर पे, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी ग्रिड आ रही है और यहाँ पे हमारा 3D आ रहा है। तो हमने एक स्प्लाइस दिया था थर्ड फ्लोर पे 2 मीटर पे। तो ये चेक बॉक्सेस पे हम जाएंगे, इन सब आइकन के बारे में हम अगली वीडियोस में नेक्स्ट वीडियोस में देख पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। यहाँ से चेक पे जाएंगे और यहाँ पे ऑब्जेक्ट असाइनमेंट में देखिए यहाँ पे होगा एक कॉलम स्प्लाइस, कॉलम स्प्लाइसिस, इस पर क्लिक किया ओके किया। सॉरी सॉरी, हुआ क्या कि मेरा प्लान पे क्लिक था, प्लान पे शो नहीं होंगे तो मैं 3D पे क्लिक किया। अब दोबारा यही रिपीट करना होगा मुझे, ऑब्जेक्ट असाइनमेंट प्लाइस ओके। शो नहीं कर रहा है, हम एक बार क्या करते हैं एडिट में जाते हैं, एडिट स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन। यहाँ पे हमने स्प्लाइस दिया है थर्ड स्टोरेज पे, यस है और 2 मीटर पर है, ओके ओके।
ओ सॉरी, याद आया। स्प्लाइस इसलिए शो नहीं कर रहा कि स्प्लाइस में लगाया कहाँ है, कॉलम्स पर, स्टील कॉलम्स पर। तो यहाँ पर हमारे कोई कॉलम तो है नहीं, यहाँ पर क्या है हमारे, ग्रिड। तो मैं फटाफट कॉलम बना लेता हूँ। एंड बीम भी बना लेता हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने कॉलम बीम बनाए तो यहाँ पे एक मार्क दिखा रही है, वही मार्क है स्प्लाइस, कि हमारे जो नीचे वाला कॉलम है यहाँ पे खत्म हो रहा है, फिर नेक्स्ट कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक जॉइंट है, स्प्लाइस जॉइंट। ओके, अगर मैं स्टोरेज डाटा एडिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से एडिट में जाऊँगा, स्टोरेज डाटा एडिट मॉडिफिकेशन यहाँ पे, और मैं क्विक ऐड भी कर सकता हूँ यहाँ से। इन सब के बारे में बाद में हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हम आज बात कर रहे थे कस्टम स्टोरी डाटा, तो इसमें हम सब चीज़ जान चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चीज़ की बात करेंगे, जैसे कि ऐड स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट और टूल्स के बारे में। तो थैंक यू, ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और आपको जिस भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट चाहिए मुझे कमेंट कीजिए, या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और हो सकता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी ज़रूर डालूँगा। थैंक यू।